तो आज हम लोग चलिए इसको हॉरिजॉन्टल रिलीज करके देखेंगे। हॉरिजॉन्टल सबसे पहले हम लोग इस तरह खड़ा होंगे डिस्कस, और ये हाथ हम लोग अपना नीचे रखेंगे, ठीक है। ये पकड़ने का तरीका पता था, ऐसे लिए। अब रिलीज करेंगे हम लोग इसी तरह खड़ा होकर सीधा। डिस्टेंस पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे, फोकस करेंगे हाथ नीचे रखने पे। ये कम से कम 10 मिनट करना है इसे आपका इस तरह नीचे जाने का। उसके बाद हम लोग करेंगे हल्का स्टेंजर, बढ़ाएंगे पैर का जैसे है, शोल्डर भी खिलेंगे हम लोग अपना, ठीक है। अब हम लोग ऐसे लेकर ऐसे रिलीज करेंगे, आएंगे इधर से, ठीक है। ये हम लोग कम से कम 10 मिनट इसको भी करेंगे, पैरल का फैला के ये लेके। हम लोग डिस्टेंस पे फोकस नहीं करेंगे अभी, हम लोग हाथ नीचे रखने पे फोकस करेंगे। ये हाथ नीचे रहना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए थर्ड स्टेप हम लोग का क्या रहेगा। अभी तो सीधा फेंक रहे थे इधर से सीधा, अब हम लोग हल्का बॉडी पीछे करेंगे, ठीक है। ऐसे बॉडी किया, पोजीशन वही, और ऐसे लेके हमको पीछे लेके ऐसे लेके ऐसे। डिस्टेंस पे फोकस नहीं करेंगे अभी, इसको भी 5 मिनट कम से कम। अब वो उसके होने के बाद अब हम लोग वेट शिफ्ट करेंगे। हम लोग आप जैसे वेट इस तरह पे आएगा हम लोग का, और ये पैर जो है ये इधर जाएगा, ठीक है। इधर थ्रो कर रहे हैं तो पैर इधर रहेगा, लेफ्ट लेग मतलब राइट लेग। इस पे हम लोग वजन लाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ है इस पे आएंगे वजन, और हल्का ट्विस्ट करेंगे और ऐसे, ठीक है। इसको भी कम से कम 10 मिनट करें। लोग स्टैंडिंग थ्रो अब अच्छा से करेंगे, ठीक है। वजन इस पे आएगा, इस पे वेट नहीं रहेगा ज़्यादा। इधर से लेंगे ऐसा ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और इससे रिलेटेड और वीडियोस।